बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने को लेकर शरद यादव ने आज अपनी पार्टी एलजेडी को राजद के साथ विलय कर दिया है। दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, शरद यादव सम्मिलित रहे, तेजस्वी रहे, मीसा भारती रहे, मगर हमारे साथ राज्यसभा सांसद, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर जी हैं और एलजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शरद यादव के साथ। इन्होंने 2018 में इस पार्टी का गठन किया था। उनसे हम जान लेते हैं कि ये जो विलय हुआ है उन पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, एक बड़ा राजनीतिक जो कहा जाता है कि एक घटना हुई है, विलय हुआ है एलजेडी का आरजेडी में, और ये बात कही गई है कि बीजेपी को रोकने के लिए अब यही एक चारा है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हों। देखिए, कैसे हमको उनके एक आदमी ने, उनके खास आदमी ने, इंजीनियर ने हमको फ़ोन किया था कि आप दिल्ली चल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने यही कहा कि भाई उसने ही बताया कि शरद जी विलय कर रहे हैं पार्टी के साथ आरजेडी में। तो हमने उनको कहा कि भाई कैसी पार्टी, कैसा विलय। तो पार्टी तो हम लोगों ने ज़रूर बनाई थी, लेकिन उनसे कोई राजनीतिक संबंध लंबे समय से हमारा नहीं है। और वो तो भाई कैसी पार्टी है और कैसा विलय, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई वो तो आरजेडी के टिकट पर ऑलरेडी लड़ चुके हैं 2019 से। हाँ, वही पिछले लोकसभा चुनाव में खुद लड़ चुके हैं और उनकी बेटी कांग्रेस के टिकट से लड़ चुकी हैं वही उसी ज़िले में, और उनके समधी साहब गुड़गांव में, हरियाणा में, वो भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। तो क्या हश्र हुआ उसका, वो तो सबके सामने है। लेकिन अब जिस घर में पहले से चले गए हैं तो उसी का, उसी को अगर विलय कह रहे हैं तो भाई मुबारक हो, नया घर उनको मुबारक हो, यही हम कहेंगे। सर, आप तो मुबारकबाद दे रहे हैं। कहेंगे सर इसका? देखिए, हम नहीं कहेंगे, सीनियर आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। अभी तो इतना ही कहेंगे, समझ रहे हैं ना, कि कोई माने हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया तो ले लिया। नीतीश कुमार जी का जिस बात के लिए विरोध किया था, आप वही काम कीजिएगा तो फिर नीतीश जी में आप में क्या फ़र्क है। रही बात ये करने की कि सबको इकट्ठा करेंगे, मैं नहीं समझता कि उनमें ये कुवत है और उनका उनका जो ऐसा कोई गुडविल है, कम से कम अब जिस तरह से किए हैं कि इस पार्टी में गए, बेटा बेटी को उसमें, समधी को उसमें, तो फिर उन पर कौन ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उनके सामने अब ट्रस्ट डेफिसिट है। हाँ, एक चीज़ है कि हम अगर उनको दिल्ली में फिर वो बंगला मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, घर मिल जाए तो इस बुढ़ापे में एक घर मिल जाए और चले जाए, वो तो ठीक। कुल मिला के कहा जाता है कि सिद्धांत की राजनीति से थोड़े से दूर हो गए हैं शरद यादव। देखिए, अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग उसका मूल्यांकन कीजिए। हमने तो कहा कि हमने तो ये कहा कि भाई हम तो मैंने हमने जो कर दिया कर दिया, हमको कोई उसका मलाल नहीं है। ये तो हमको पकड़ लिए, पकड़वा लिए। मैं साथियों से हमने भी देखा कि चलिए भाई अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, न लालू जी पूछ रहे हैं, न कांग्रेस, न दूसरी पार्टियां, न ये, तो हमने उनका साथ दिया। फिर भी आपने उनका साथ दिया, मगर उन्होंने आपके साथ को सही नहीं माना या आपके साथ को, कहने का मतलब हमारा ही नहीं। देखिए, जब हम कह रहे हैं इसमें बहुत मुझको भी नहीं बनाया, ये कागजी बात है, जमीन पर इस पार्टी की कोई ये नहीं है। चलिए,
हमारे साथ अली अनवर जी थे, पूर्व राज्यसभा सांसद, और जो आज विलय हुआ है एलजेडी का आरजेडी के बीच, उस पर उन्होंने कहा कि शरद यादव ने जो सिद्धांत की राजनीति को लेकर जो अपना एक छवि बनाया था वो इस विलय में कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ अली अनवर जी खड़े थे उनको ना पूछना या इस विलय को लेकर जो फैसला उन्होंने खुद ब खुद अकेले लिया है, ये कई विषयों पर जो है उनके सिद्धांत की राजनीति पर सवाल उठाता है।